हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी बहनों से सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो यहाँ पे छोटू जी को इतनी चिंता एक लड़की की आन पड़ी है कि उसे समर जब नहीं मिला घर में तो वो यहाँ पे सैम का रास्ता रोक के सैम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं एक लड़की को घर में लाना चाहता हूँ जो रात को स्टे करेगी, क्योंकि उसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है कि उसको होटल का एक रूम मिल जाए। एग्ज़ाम देने आई है, वो रहना चाहती है सिर्फ एक रात, और उसके लिए इतनी पैरवी कर रहा है कि ऐसा लगता है जैसे कोई एग्ज़ाम देने के लिए लड़की नहीं आई है, ऐसा लगता है जैसे फ्रेंड्स दाल में कुछ काला है। तो मैं आपको ये वीडियो बना के ये दिखाना चाहती थी कि देखो, उस दिन ये राधिका को इतना लालचन लगा रहा था, समर के कान भर रहा था राधिका को लेके, कि ये नीचे राधिका लड़के से बात कर रही है, हंस रही है, तो वगैरह वगैरह। यहाँ पे खुद को देखो, खुद के गिरेबा में झांको, कैसा ये छोटू है। ये मतलब यहाँ पे कमाने आया है कि ये सब करना है। मतलब समर के गैंग में जितने हैं सब के सब लफंगे भरे हुए हैं, इतने लफंगों की टोली है ना कि समझ में नहीं आता है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मतलब हर एक लड़का मतलब लड़कियों को ना खिलौना बना के रखे हुए हैं, वो चाहे समर हो, चाहे सैम हो, चाहे ये छोटू हो। ये तो नारद है ही, नारद के साथ साथ अब तो लगता है आशिक बाज भी निकल आया है। मतलब लफंगा नंबर वन जिसको कहते हैं, मतलब लड़की को लाने के लिए इतना डेस्परेट हो रहा है घर में फ्रेंड्स, कि ये सैम को पैसे का ऑफर दे रहा है कि तुम पैसे ले लो और हमें आने दो। तो ये तो गलत बात है। ये समर के घर में आने के लिए छोटू का इतना डेस्पोगिरी, मतलब छोटू मियाँ आप करना क्या चाहते हो? आपको क्या इतना आप डेस्परेट हो जा रहे हो कि आपको सैम ने एक होटल का नाम भी बता दिया कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे रहो? अरे वाह वाह वाह। इसीलिए कहते हैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के पहले ना पहले अपने आप को देखो कि आप कितने पानी में हो। राधिका के ऊपर बात उंगली उठा रहे थे जबकि राधिका कहीं भी गलत नहीं थी, और आप खुद गलत होते हुए भी आपको सब कुछ अच्छा ही लग रहा है और सुनहरा सुनहरा हरियाली खोज रहे हो आप। बस फ्रेंड्स, जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये छोटू की असलियत देखो, ये है छोटू की असलियत। बस फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।